नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, 26 अगस्त को गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से। सभी अपने जितने भी प्रोफाइल उनके पास थे, उन्होंने सभी अपने प्रोफाइल से इस्तीफा दिया था, यानी कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और वो आज़ाद हो गए। लेकिन आज उनके इस्तीफे के बाद वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई। आज़ाद ने चूंकि पार्टी को छोड़ते हुए राहुल पे एक बड़ा तंज कसा था, यूं कहिए कि उन्होंने एक दिल की भड़ास निकाली थी, आरोप लगाया था और 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी। इसमें कहा था कि राहुल गांधी ने पार्टी में एंट्री के साथ ही एक जो सलाह मशवरे का मैकेनिज्म होता है उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। तबाह शब्द जो है पार्टी के लिए काफ़ी गंभीर माना जा रहा है, और खास तौर पे जनवरी 2013 में उनके उपाध्यक्ष बनने के बाद तो पार्टी में ये सिस्टम पूरी तरह से बंद हो गया और सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया। ये गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था। अच्छा, आज जो बैठक हुई है उसमें चुनाव के लिए बातचीत हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। चुनावी शेड्यूल के मुताबिक 22 सितंबर को चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन जारी होगा और 24 सितंबर से 30 सितंबर तक नॉमिनेशन किए जा सकेंगे। अगर अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक उम्मीदवार होता है तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट की घोषणा 30 तारीख को ही हो जाएगी। अच्छा, आज जो मीटिंग हुई है वर्किंग कमेटी की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, उसके बाद केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने ये मीडिया को बताया कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में सभी सदस्यों ने चुनाव शेड्यूल पर सहमति जताई है और पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष पद के लिए कोई भी नामांकन दाखिल कर सकेगा। केवल हमारी पार्टी में ही लोकतंत्र है, यानी कि पार्टी में इतना कुछ हो गया, इतने लोग छोड़ के जा चुके हैं और अभी भी लोकतंत्र की बात की जा रही है। बैठक में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, केसु वेणुगोपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, पी चिदम्बरम और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई लोग मौजूद रहे और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने इस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया। ये भी बड़ी खास बात थी। अच्छा, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में बताया जा रहा था और सोनिया गांधी ने उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार रहने को कहा था, लेकिन गहलोत ने अगले ही दिन ऐसी खबरों को खारिज कर दिया। पिछले बुधवार को उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को फिर से पार्टी की बागडोर संभालने के लिए मौका दिया जाना चाहिए और गहलोत की इस टिप्पणी को अगर हम देखें तो ये सोनिया गांधी से मुलाकात के एक दिन बाद आती है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि राहुल गांधी पार्टी की एकमात्र पसंद है, यानी कि वो चाहते हैं कि वो पार्टी की बागडोर संभालें। राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा, विदेश से लौटने के बाद उनको अध्यक्ष पद संभालने के लिए मनाने का प्रयास किया जाएगा। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे और हम सब कांग्रेस जनों का ये आग्रह है और आशा भी है कि वो जल्द ही जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। ये सारी इच्छाएं हैं। राहुल गांधी अगर मीटिंग, जैसा कि इसमें एक ही एजेंडा था और उसमें सभी की ये मंशा थी कि मतलब कुछ एक को छोड़ करके कि राहुल गांधी पार्टी की बागडोर संभालें, लेकिन राहुल गांधी पे जितने आरोप लग चुके हैं शायद इसीलिए वो खुद नहीं चाहते हैं कि वो पार्टी में पार्टी की बागडोर संभालें। और काफ़ी सारी बातें पार्टी में और भी
देखने को मिलती हैं, क्योंकि इस पार्ट जो ECWC की मीटिंग हुई है इसमें एक बात और सामने निकल के आई कि जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता भी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी ये कहा कि कांग्रेस की जो बागडोर है वो राहुल गांधी को ही संभालनी चाहिए, उनके नेतृत्व में वो काम करना पसंद करेंगे। हालांकि कुछ लोगों को ये बात नहीं भी जची है, लेकिन जो खड़गे ने कहा वो मैं आपसे बताती हूँ कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के पूरी स्थिति साफ है और उनकी ये राय है कि सभी कार्यकर्ताओं की भावना है राहुल गांधी इस समय कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए आ गया है, उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए। कुछ ऐसी ही बात जो है और भी दिग्गजों ने कही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुद अध्यक्ष के रूप में पार्टी में आना चाहते थे। देखिए, एकमात्र ये वजह है कि पार्टी को एक ही परिवार चला रहा है और इसी वजह से पार्टी के बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, यानी कि कांग्रेस को छोड़ के चले गए हैं, और आज कांग्रेस जो है उसका किला बिल्कुल ढहने की कगार पे है। बिल्कुल कहना चाहिए कि वो हर दिन डाउन प्रोफाइल में जा रहा है। ऐसे में जो लोग कह रहे हैं कि वो राहुल को मना लेंगे, उनकी बातों में ज़्यादा दम नहीं लग रहा है। सलमान खुर्शीद जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उनकी पसंद राहुल गांधी है और वो उनको मना लेंगे। लेकिन एक चीज़ तो आप गौर कीजिएगा, इस मीटिंग में, CWC की मीटिंग में कुछ बगावती तेवर भी देखने को मिले। पृथ्वीराज चौहान ने थोड़ा सा उसमें एटीट्यूड दिखाया और कहा कि कांग्रेस में कठपुतली अध्यक्ष बनाने की कोशिश हो रही है, पार्टी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव को टालना सही नहीं है और राहुल को भी बागडोर देना सही नहीं है। तो कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि राहुल को बनाया जाए और कुछ ही ये सोच करके परेशान है कि एकमात्र राहुल की वजह से पार्टी आज इस स्तर पे आ गई है कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और एक बात, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक भी कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।